आजकल ऐसा ही लग रहा है आप लोगों को कि हम बहुत ही संवेदनहीन हो रहे हैं, यानी दूसरों की हम परवाही नहीं करते, दूसरों की भावनाएं हम नहीं समझ सकते, हमें केवल अपने ही बारे में हम सोचते रहते हैं। कभी आपने मनुष्य को छोड़ो, कभी किसी छोटे से पंछियों का, पक्षियों के बारे में कभी कुछ संवेदना महसूस की है, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास किया है? शायद नहीं। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो इसी संदर्भ से है और उस पाठ का नाम है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। हाँ, नीलम वाजपेयी जी का यह पाठ है। अब हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं ये नीलम वाजपेयी। इस लेखक का परिचय इस तरह से है, उनका जन्म हुआ दिल्ली में लेकिन बचपन बीता ग्वालियर में। ये जो है नीलावासी, वे उर्दू कवियों में बहुत ही मशहूर थे। उनकी जो कविताएं हैं वो सहज भाषाओं में, हिंदी भाषाओं में लिखी गई है, इसीलिए वो समझने के लिए भी बहुत आसान सी। गद्य रचनाओं के बारे में अगर हम देखेंगे तो उन्होंने गद्य रचना शेरो शायरी से भरी हुई है। इस शेरो शायरी में मानव गद्य रचना में घाघर में सागर भरने का काम किया है, यानी घाघर में सागर भरना यानी बहुत कम में बहुत कुछ समाना, यानी बहुत कुछ कहना, कम शब्दों में उन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर कहा है। जो हमारे अब दूसरों के दुख से दुखी होने वाले इस पाठ में लेखक ने हमें ऐसे ही कुछ अनेक उदाहरण दिए हैं और उन उदाहरणों से उन्होंने हमें समझाया है और समझाने का एक मौका दिया है कि देखो हम कितने संवेदनहीन हुए हैं। क्योंकि आज मनुष्य ने स्वार्थी वृत्ति के कारण इतना बड़ा आचरण गया है कि इस धरती पर बाकी के जीवनधारियों का अस्तित्व वो मान ही नहीं रहा है और उसे बेदखल कर रहा है। इसी तरह से जो एक उदाहरण उन्होंने दिए हैं उसे हम समझ पाते हैं और देखते हैं कि आज ये मनुष्य केवल उन छोटे छोटे जीवों को ही बेदखल नहीं कर रहा है इस धरती से, बल्कि आज मनुष्य दूसरे मनुष्य को भी इस धरती से बेदखल करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मनुष्य ही मनुष्य के विनाश के लिए तुला हुआ है। तो बच्चों हम अब आपको अपने पाठ्यपुस्तक निकालनी है और हमारा जो पाठ है नीलावासी जी का अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले इस पाठ को हम देखते हैं। तो चलो बच्चों हम पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए अपनी पंक्तियों पर। बाइबल के सोलोमन जी पुराण में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है कि वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हकीम थे, हकीम यानी राजा। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों के टापों की आवाज सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी जल्दी अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान ने उनकी बातें सुनी और दूर पर रुक गए और चींटी से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने अब सबका रखवाला बनाया है। उनकी इस बात से कुछ चींटियों ने उसे दुआ दी। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या सीखा? सुलेमान के बारे में जो यहाँ पर कहा गया है, एक राजा, एक इंसान के अंदर होने वाले जो गुण है वो गुण यहाँ पर सुलेमान के अंदर अच्छी तरह से भरे हुए हैं। वो केवल मनुष्य जाति का ही राजा नहीं था, बल्कि उस धरती पर रहने वाले छोटे बड़े जीवों का भी वो रखवाला था। ये कहीं से पता चलता है कि जिस तरह से उसने पंछियों की भी भाषा, सभी की भाषा जानी थी और उसने यह अस्तित्व मान लिया था कि इस धरती पर न केवल मनुष्य का ही अधिकार है बल्कि छोटे छोटे जीवों का भी उतना ही अधिकार है, और इसीलिए तो उन्होंने चींटियों को अपने राज्य
अपने ही स्वार्थ के लिए अपने ही बारे में सोचते हैं, जितना चाहिए उतना ही कर्म करते हैं और उतना ही काम करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमें सुलेमान से यही सीख सीखनी चाहिए कि मनुष्य ने सभी को समान मानना चाहिए, सभी का अस्तित्व मानना चाहिए, किसी में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से सुलेमान का आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण निंदा फांसी जी ने दिया है और वो है एक सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज के पिताजी का। वो किस्सा इस तरह से है, एक ऐसी घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी कथा में लिखा है। एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे, माँ ने उनके भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कोर तोड़ा, उनकी नजर अपने बाजुओं पर पड़ी। वहां एक काला चूहा देख रहा था। वो भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं नहीं यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो देखो बच्चे, यहाँ पर शेख अयाज के पिताजी की इससे हमें यही पता चलता है कि मनुष्य के अंदर दया भाव होता है, लेकिन कहाँ हम उसे दिखाते हैं। यहाँ पर शेख अयाज के पिताजी ने एक छोटे से कीड़े के लिए उन्होंने अपना परोसा हुआ खाना छोड़कर पहले अपना कर्तव्य देखा कि उससे उसके घर छोड़ा है, वो बेघर हुआ है, वो किसी मनुष्य बने के छोटे से जीव को भी बेघर होता हुआ नहीं देख पाते थे। और इसीलिए तो यहाँ पर शेख अयाज जी के पिता से हमें यही सीखना है कि हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, फिर वो मनुष्य हो या कोई छोटा सा जीव जंतु हो, सबकी भावना एक जैसी होती है। और यही शेख अयाज के पिताजी ने हमें यहाँ पर बताई है। आगे चलकर देखते हैं और एक किस्सा यहाँ पर उन्होंने बाइबल के इसमें से कहा है। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के पैगंबर का जिक्र मिलता है। उसका असली नाम लश्कर था। अब यहाँ पर पैगंबर यानी संत, लेखक अरब, लेकिन अरब ने उनको नूह के लकब से याद किया है, वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। कारण एक जख्मी कुत्ता था, नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उससे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते, इस्लाम में कुत्ते को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उसकी दुत्कार सुनकर उसे जवाब दिया, ना मैं अपने मन से कुत्ता हूँ, ना तू अपनी पसंद से इंसान है, बनाने वाला सबका तो वही एक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर उस नूह को एक कुत्ते ने एक समझ सिखाई कि इस धरती पर कोई भी जीव अपनी मर्जी से जन्म नहीं लेता है, अपनी मर्जी से कोई रूप धारण नहीं करता है, उसे बनाने वाला, सबको बनाने वाला वो एक ईश्वर होता है। और यही हमें मानना चाहिए और कभी किसी को कम नहीं लेना चाहिए। सब अपने अपने जगह पर एक जैसे होते हैं, क्योंकि ईश्वर ईश्वर ने ही उसे निर्माण किया हुआ है। और इसीलिए तो वह नूह मुदत तक रोता रहा इस बात से कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि कुत्ते का इसमें कोई दोष नहीं है, वो अपने मर्जी से तो कुत्ता बना नहीं है। और यही सच जो था वो नूह को जो पता चला, इसलिए वो मुदत तक यानी अपने जब तक वो जीवित रहा वो जीवन भर रोता ही रहा। और इसी कुत्ते से उसने ये भी लेखक ने हमें यही नूह और कुत्ते के बीच के जो संवाद हुए उस किस्से से लेखक हमें यही कहना चाहते हैं कि एकता कैसी होती है। देखो, मिट्टी से मिट्टी मिले खोके सभी निशान, मिट्टी से मिट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। भाई लेखक ने हमें यही बताया है कि सब एक समान है, मनुष्य जीव जंतु इस धरती पर है।
रहने वाले, क्योंकि ये सब ईश्वर के हैं और मिट्टी से ही बने हुए हैं। क्योंकि जब वो खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तब वो मिट्टी में ही मिल जाते हैं। और जब ये मिट्टी में विलीन होते हैं, तब उन्हें विलीन करना यानी अलग करना अशक्य है। क्योंकि हम नहीं कह सकते कि ये मिट्टी मनुष्य की है और ये मिट्टी किसी पशु की है, किसी अलग जीव की है। तो इस तरह से सब उस मिट्टी में एक रूप हो जाते हैं। यही बात यहाँ पर लेखक ने हमें समझाई है कि हम सब एक ही है, बस सबके रूप अलग अलग है, सभी जीवधारी एक जैसे हैं। और यही बताते हुए उन्होंने हमें एक महाभारत का किस्सा बताया है और यही कहा है कि महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप से कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए, केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। इस युधिष्ठिर के अंत तक रहने वाले कुत्ते से लेखक हमें यही समझाना चाहते हैं कि मनुष्य किसी भी रूप में हो, चाहे वो मनुष्य का रूप धारण करे उसका शरीर, या किसी जीव जंतु का रूप धारण करे, लेकिन उसकी असली पहचान उसके रूप से नहीं बल्कि उसके काम से आती है। मनुष्य का काम ही उसकी असलियत का पता चलता है कि वो कौन है। जिस तरह से हम कहते हैं कि वफादार केवल मनुष्य होते हैं, नहीं बच्चों, वफादार जानवर भी हो सकते हैं। जैसे युधिष्ठिर के महाभारत के उस किस्से से हमें समझाया है लेखक ने कि किस तरह से युधिष्ठिर का साथ एक कुत्ते ने जीवन भर उसके अंत तक निभाया। तो है ना वो वफादार, हम जिससे जिस तरह से पेश आते हैं वो उसी तरह से हमारे साथ पेश आते हैं। तो इसीलिए आज हम यही सीखेंगे कि शेख अय्यर जी के पिता से कि दया भाव सबके प्रति समान रखना चाहिए। और बाइबल के इसमें से दिखाया हुआ जो है सुलेमान का, उसमें से हमें यही सीखना चाहिए कि सबकी भाषा हमें समझनी चाहिए, सबको एक जैसा मानना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, किसी को कम नहीं देखना चाहिए। और नूहों में से भी हमें यही, तीनों किस्सों में से हमें यही देखने के लिए मिला है कि सब अपने अपने जगह पर बराबर होते हैं और सब ईश्वर की ही देन है। इसीलिए बच्चों, आपको भी एक अच्छा मनुष्य बनना है तो हमें सुलेमान, शेख अय्यर जी के पिताजी की तरह एक वफादार और दया भाव को अपना कर एक अच्छा और सच्चा मनुष्य इंसान बनने का प्रयास करना है। तो बच्चों, यही तक हम पढ़ते हैं, यहाँ तक आप अच्छी तरह से पढ़िए इस पाठ को और फिर आगे देखते हैं कि लीलावासी जी ने हमें और कौन से ऐसे